हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मोबाइल की बैटरी जो है फूलती क्यों है, उसका क्या कारण है, और मोबाइल की बैटरी समय से पहले ख़राब क्यों हो जाती है, इसका क्या कारण है, और आप अपने मोबाइल की बैटरी की उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ और आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, उसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के बैटरी के बारे में कि आपके मोबाइल की बैटरी जो समय से पहले खराब क्यों हो जाती है, और दूसरी बात हम करने वाले हैं कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल क्यों जाती है, उसका क्या कारण है, और तीसरी बात हम करेंगे दोस्तों कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है किस तरह से आप उस बैटरी को यूज़ करें, किस तरह से आप उस बैटरी को चार्ज करें अपने मोबाइल में, ताकि आपके मोबाइल की जो बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में जो एक लावा कंपनी का जो बैटरी है, और ये बैटरी जो है फूल चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता दूं इस बैटरी का जो फूलने का कारण है, इस बैटरी का फूलने का कारण ये है दोस्तों कि आप अगर अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, और जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और चार्ज में लगा के आप बेफिक्र हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप चार्ज में लगा के सारी रात आप सो जाते हैं तो उस दौरान आपका जो मोबाइल का जो बैटरी है वो ओवर चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैटरी आप सामने देख रहे हैं, ये लावा का बैटरी है, ये जो है बिल्कुल बैटरी फुल चुका है पूरी तरह से, ठीक है। ये बैटरी बिल्कुल बेकार हो चुका है, और इसका जो ये कारण यही है कि इस बैटरी को किसी कस्टमर ने अपने मोबाइल में लगा के जो है वो छोड़ दिया सारी रात, और वो खुद सो कर रहे, ठीक है। जब सुबह वो देखा उठ करके तो उसका मोबाइल का जो बैटरी जो है वो फुल चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आप गलती ना करें दोस्तों, और क्योंकि इस तरह से गलती करने से बाद आपके मोबाइल का बैटरी जो है वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब आप नई मोबाइल खरीदते हैं तो आपके मोबाइल का जो बैटरी का जो बैकअप होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे जैसे आपके मोबाइल का जो मोबाइल जो है आपका पुराना होता चला जाता है, उसी तरह आपके मोबाइल का जो बैटरी का जो बैकअप जो है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि यही कारण है, यही गलती आप जो है करते हैं जो अपने मोबाइल में, जिस कारण से आपके मोबाइल का जो बैटरी का जो बैकअप है वो कम हो जाता है। और कभी भी आप ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आपको चार्ज करना हो तो अपने मोबाइल को, तो आप जो है सामने पर चार्ज करें, और ध्यान रखें इस बात का कि वो 95% से ऊपर ना जाए। कहता है कि उसकी जो मोबाइल है बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करेगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर ये बैटरी फुलता क्यों? तो ये सबूत है हमारे पास कि जो बैटरी ओवरचार्ज हो रही है, यानी कंपनी का जो कहना है कि उसकी जो मोबाइल है वो ओवरचार्ज नहीं करेगी बैटरी को, और जैसे 100% उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो जो सिस्टम है वो ऑटोकट हो जाएगा और बैटरी को जो ओवरचार्ज नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कई मोबाइलों की जो बैटरी है वो फुल जाती है। अगर मोबाइल ओवरचार्ज नहीं हो रही है बैटरी तो फुल क्यों हो रही है? इसका कारण यही है कि बैटरी को ओवरचार्ज हो रहा है, बैटरी जो ओवरचार्ज हो रहा है, और ओवरचार्ज इसलिए हो रहा है कि मोबाइल उसको ओवरचार्ज कर रहा है, ठीक है। यानी कंपनी जो कह रहा है ये बिल्कुल गलत है, इसकी बात पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। आप अपने मोबाइल की बैटरी को अगर आपको बचाना है फूलने से या बैटरी को ख़राब होने से बचाना है, तो अपने मोबाइल की बैटरी को आप जो है 95% तक चार्ज करें, और उसके बाद जब आपका मोबाइल 95% तक चार्ज हो जाए तो उसके बाद आपके जो है उस मोबाइल को आप बार बार चार्ज ना करें, और जब आपके मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगे और कम से कम 5% चार्ज हो, तभी आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज में लगाएं, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है बार बार अपने मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाना है, ठीक है। बार बार चार्ज में लगाने से यह होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी उम्र होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो जो है कम होने लगती है। क्योंकि आपने नोकिया 1200 मॉडल आपने खरीदा होगा पहले कभी, तो आप उसमें जो एक बुक दिया हुआ था, उस बुक में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि ये जो बैटरी है 100 बार से भी अधिक चार्ज हो सकती है। उसी तरह जब आपके मोबाइल की बैटरी की 100 बार की जो कैपेसिटी है चार्ज होने की, 100 बार से अधिक चार्ज हो सकती है। आप उस बैटरी को आप चाहे दिन में एक बार चार्ज करें, चाहे आप बार बार चार्ज करें, या 5 बार या 10 बार चार्ज करें, लेकिन जितना बार आप चार्ज करें उतना बार उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। और आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है बार बार अपने मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाना है, ठीक।
क्योंकि दोस्तों बार बार चार्ज में लगाने से मोबाइल की जो बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, जो उसकी जो उम्र है वो घट जाती है, ठीक है। इसलिए आपको बार बार चार्ज में नहीं लगाना है। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं तो किसी मार्केट जा रहे हैं, आप मार्केट में कोई आपका जान पहचान है, वहाँ पे आप थोड़ा सा चार्ज में लगा दिए अपने मोबाइल को, फिर वहाँ से आप घर आए तो घर में आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज में लगा दें दिए हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको अगर जब भी आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो आप अपने सामने में जो है उस बैटरी को मोबाइल को जो है 95% या 98% तक आप चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपने मोबाइल से चार्जर को निकाल दें। और जब आपका मोबाइल जो है यूज़ करने के बाद आपका मोबाइल कम से कम आपका 5% चार्ज रह जाए आपके मोबाइल में, तभी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं इस ओवरचार्ज बैटरी के बारे में, क्योंकि कई सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके पूछा है कि आप बताइए कि जो मोबाइल की जो बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है उसका जो हम चार्ज बल्ब से कैसे ख़त्म करेंगे। उसमें 6 वोल्ट का जो बल्ब होता है डीसी बल्ब, तो डीसी बल्ब को लगा करके उसका चार्ज हम कैसे ख़त्म करेंगे, और आपने कौन सा चार्जर लगाया था इसमें मल्टी चार्जर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने मल्टी चार्जर जो है, जो मेरे पास ख़राब चार्जर था, तो उस मल्टी चार्जर को मैंने इसमें यूज किया था इसके चार्जर को जो है घटाने के लिए। बैटरी में जो ओवर चार्ज थी, इस ओवर चार्ज को घटाने के लिए मैंने मल्टी चार्जर को यूज़ किया था, लेकिन मल्टी चार्जर जो है वो ख़राब था। मल्टी चार्जर का जो मैंने पिन जो है उसका जो पिन होता है, सिर्फ पिन को मैंने यूज़ किया था। डायरेक्टली मैंने जो बल्ब का जो वायर है उसे डायरेक्टली मैंने इस मल्टी चार्जर के पिन में जो है सोल्डिंग कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी चार्जर में सोल्डिंग करने के बाद इस वायर को मैंने डायरेक्ट बल्ब में लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया, उसके बाद यहाँ इस जो आप देख रहे हैं कि ये जो पिन है, इन दोनों पिनों में जो मैंने जो है इस वायर को जो है सोल्डिंग कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओर जो है मैंने उसमें जो है 6 12 वोल्ट का जो है डीसी बल्ब लगाया था, ठीक है। और इस ये इसलिए मैंने किया था ताकि जो मोबाइल का जो बैटरी का जो चार्ज है ओवर चार्ज है, उस चार्ज को ये बल्ब जो है उसे ख़त्म कर सके, उसका जो पावर है वो स्विच कर सके, डाउन कर सके उस बैटरी को। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे EX मंदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।